ये वो जैसे घर में बाजे नहीं बनाती अम्मी लोग। बनेगा डॉन की आवाज निकालेगा, बोलना बनेगा। तो मैं पहुंच गया हूँ बिहाड़ी और मैं जा रहा हूँ घर। वीकेंड आ गया तो कल मैं जाऊँगा इरफान के पास, जो मेरा लाहौर में मेरा व्लॉग पार्टनर था। कल मैं जा रहा हूँ उसके पास विजिट करूँगा, और उसका जो जहाँ वो मतलब उसका होटल है जहाँ वो काम करते हैं, उनका जहाँ बिजनेस है, वो इलाका भी, वो सिटी भी मैं जो है इंजॉय करूँगा, विजिट करूँगा। और इरफान, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूँ इरफान के पास, और सबसे पहले ना पेट्रोल डलवा लेते हैं बाइक में। सो गाइस, इरफान के पास मैं जा रहा हूँ और बाइक पे जा रहा हूँ उसके पास। तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसका वो दूर है जो उसका रेस्टोरेंट है। तो इरफान भाई को मिले हुए बहुत अरसा हो गया, मुझे तो लाहौर के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो अब मैं वीकेंड पे आया हूँ, मैंने सोचा कि भाई उसके पास चलते हैं अब, क्योंकि उसको मिले हुए एक तो अरसा हो गया, अब दूसरा फिर वो मेरा व्लॉग पार्टनर भी है। तो सोचा कि उसके पास जाता हूँ और वहाँ पे जाके ना कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ। तो इरफान को मैंने जो है बता दिया है कि भाई मैं आ रहा हूँ, और मेरा जो है खाना वगैरह तैयार रखो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आ जा आ जा। तो रवाना हो चुका हूँ मैं, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और मुझे तकरीबन घंटा लगेगा जाने में। जाके मैं आपको ना वहाँ का जहाँ पे उसका बिजनेस है वो भी दिखाता हूँ, सेटअप उसका, और दूसरा उससे मुलाकात भी करवाता हूँ। आई होप सो कि यू आर सो एक्साइटेड टू मीट हिम। उसके पास जाते हैं, अब उसके मुलाकात करते हैं। सो इरफान, आई एम कमिंग। आज रात मेरी इरफान से वीडियो कॉल भी हुई थी, और हमने अच्छी खासी गपशप लिखाई, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो इरफान को मैंने वीडियो कॉल भी कहा कि भाई मैं तेरे पास कल आ रहा हूँ, तो वो भी एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसका जो बिज़नेस सेटअप है वो फ़र्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ। और तकरीबन 2-3 माह के बाद उससे मुलाकात होगी हमारी। होप सो कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं तो सफ़र में हूँ। ये देखें, मैं इधर सफ़र में हूँ और वो उधर पता नहीं क्या कर रहा होगा, खाने वगैरह बना रहा होगा। मैं आ रहा हूँ इरफान, खाने वगैरह भी बनाऊँगा, मैं सब करूँगा। तो मिलते हैं वहीं पे आपको। हेड पंजनत कराची टंडा मोहम्मद बना और शरीफ अहमदपुर शर्किया, तो हमने जाना है अहमदपुर शर्किया वाली साइड। सुगाए दिए हैं दरियाए सतलुज, जो हमारे जो शहर सुल्तानपुर के वाला उसके करीब से गुजरता है। ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, थोड़ा सा पानी है इसमें। जब सैलाब वगैरह की सूरत हाल थी तब तो ये फूल यहाँ तक आया होगा, लेकिन अब देखे ना यहाँ तक इधर से इस तरफ ये हेड पंजनत की तरफ जा रहा है, और यहाँ जा रहा है आ रही है। ये दरिया सतलुज है, तो आपको बताता हूँ। सो गाइस, ये है दरिया सतलुज, जो हमारे शहर जलालपुर पीरवाला से होके गुजरती है। इस तरफ से ये जा रही है पंजनत की तरफ, जहाँ पे 5 दरिया मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, गंदा पानी हुआ पड़ा है। जब सैलाब वगैरह आया था ना, ये बहुत सारा यहाँ तक सारा फैला हुआ था। तो फिलहाल तो ये यहाँ तक बचा हुआ है, गंदा पानी हुआ पड़ा है, सारा गंदगी हुई पड़ी है, सारी पानी ख़राब हुआ पड़ा है, सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है। देखें दरियाए सतलुज। यार इरफान, कसम से मैंने ना तेरी लाहौर की कंपनी जो है बहुत इंजॉय की है, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने जितने भी लाहौर के व्लॉग बनाए हैं सारे तेरे साथ बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया दोनों ने। हर जगह गए हैं, खाया पिया सब कुछ किया, इंजॉय किया, हर जगह व्लॉग्स बनाए, अच्छे अच्छे स्टोरीज शेयर की। मुझे तेरी कंपनी बहुत पसंद आई,
देखिए ना, मैं अकेला व्लॉग बनाता हूँ या कभी मुल्तान में दोस्तों के साथ व्लॉग बनाता हूँ, तो उनकी कंपनी जो है बोरिंग है, लेकिन तेरी जो कंपनी है वो बोरिंग नहीं है। बोरिंग होने देता तू इतना, मतलब कि हंसी मजाक हो रही है वगैरह। तो अब आ रहा हूँ मैं तुझे इंटरटेन करने, क्योंकि 2 महीने से तू भी बोर हो गया होगा खाने वगैरह बना के, तो मैं आ रहा हूँ तुझे इंजॉय करवाने। राइड करने का जो एक्सपीरियंस, मैं तो प्यास लगी है बाइक ड्राइव करके, राइड कर करके तो करने का जूस पी रहा हूँ मैं। आप लोगों ने पीना तो कमेंट कर दो जरूर से, करना भी देसी लगा हुआ है, बाहर नहीं करना नहीं है, बहुत मीठा होता है ये। करने का जूस, शुगर कैन जूस पीना किसी ने कमेंट करते थे। हाँ इरफान, इरफान तुमने पीना है जूस तो मुझे बता दें, जल्दी पैक करवा के लिए आपका। जी इरफान साहब, इरफान साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये हमारे व्लॉग पार्टनर इरफान साहब। इरफान साहब, इरफान साहब, भाई जान क्या हाल है? ठीक है, ठीक अल्लाह का शुक्र। तू सुना कैसे है, पहुँच गया घर से? बहुत दूर है यार तेरा होटल तो है। ये इरफान भाई का होटल है और ये इरफान भाई है, कैसे हैं आप? ठीक है। ये इनका इलाका है मुबारकपुर। भाई के अबू साहब खड़े हैं, इनसे मिलते हैं पहले। सो गाइस, फाइनली मुबारकपुर पहुंच गया हूँ, इरफान भाई के हॉस्टल हॉस्टल कह रहा हॉटल पहुंच गया हूँ, और ये इनका होटल है। जलील तो हो गया हूँ मैं, लेकिन पहुंच गया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर योर इन्विटेशन। इन्वाइट तो नहीं किया मैं खुद आया आपका, वो थोड़ा सा नाम रोशन कर दो। ये इरफान साहब अपना रिवायती काम करते हुए, होटलों की सफाई, टेबल की सफाई, वेरी गुड वेरी गुड। जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मच्छी उठाने हैं, मच्छी फिश खाने जा रहे हैं। तो ये है मुबारकपुर और ये है मच्छी वाली जगह, मच्छी उठाने जा रहे हैं। मच्छी खाना। गाइस ये फिश आ गई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है, यम्मी, और मसाले शाले सब कुछ ओके लगे हुए हैं। देख के इतना मज़ा आ रहा है खाने में, पता नहीं कितना आएगा। ये खान साहब थैंक यू सो मच। वेटर वेटर सैलेड भी सैलेड भी वेटर सैलेड भी ले आओ। सो गाइस फिश आ गई है, मेरे लिए स्पेशल बनवाई है इरफान भाई ने, और देख के तो बहुत यम्मी क्रिस्पी लग रही है, खा के पता लगेगा कैसी है। सैलेड वगैरह रहते वगैरह सब ओके है बिल्कुल। अब ये नाम पानी भर रहे हैं, आज हम साथ खाते हैं। डॉन बनेगा, डॉन की आवाज़ निकालेगा, बोलना और डॉक्टर जेट का कैसे बोलता है? उरे पापा यार, मेरे यार, मेरे बड़े भरा यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है फैंस? ये आया गाजी मेरे पास, अब देखो। अबे छोड़ भी दे यार, सब खत्म करेगा क्या? अच्छी फिनिश करने के बाद फिनिश, ये सब कुछ इसी ने खाया, देख ले इसका हशर देखो, बिल्कुल एंड एंड कर दिया यार। कुछ तो बड़ा ख्याल करता है गाजी, इतना इतना खाया तूने, इतना। गाइस आप लोगों ने खानी है ये, एंड 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 करके दी हुई है इसने, देख ले। ऑर्डर करते हैं पान पाउडर कर दे, मच्छी बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, मज़ा आया खाके। ये हमारा चूज़ा है, आने जा रहे हैं हम डिश, कोई स्पेशल डिश बनाएंगे। ये सब्जी, आलू कीमा, दाल, आलू गोभी वो पीस पड़े हैं, वो मुर्गा दाल मुर्गा और सब चीज़ें पड़ी हैं, वो तंदूर वगैरह। तब यहाँ पे हम पहले कुछ बनाएंगे, उसके बाद रोटी लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। हम डिश बना रहे हैं, लेने आए हुए कस्टमर इरफान भाई बना रहे हैं, और मैं रोटी लगाऊंगा वहाँ पे जाके। इरफान यहाँ पे ये बना रहे हैं, खाना बना रहा है, सालन बना रहा है, थोड़े थोड़े बहुत सब बहुत। ये गाजी है और इसके काम चेक करो, तैयार कर रहे हैं हम। मुर्गा, ये दादी ने डिश बनाई है। ये छोटू बैठा है, बैठ जा। नाम क्या है?
एहसन, ये यहाँ पे काम करता है, जॉब करता है, बर्तन धो रहा है, और ये बच्चे से काम करवाते हैं ये लोग, सख्त दिल के लोग हैं ये, बच्चों से काम करवाते हैं ये। अब रोटी लगा रहे हैं हम यहाँ पे अपने लिए, रोटी लगा रहे हैं यहाँ पे तरीका आता नहीं है गाजी को, ऐसे ही बस कहते हैं रोटी लगा रहा हूँ, गाइस बेइज्जती करना है इसकी, कमेंट में ना कमेंट करना है इसको, ये वो जैसे घर में बाजियाँ नहीं बनाती अम्मी लोग, ये मम्मी डैडी वजह, रोटी चेक करना। हाँ हाँ ये रोटी देखो, हाँ बस कर क्या है, ये क्या जबान, इधर इधर चेहरा तो इधर दिखा, ये इसकी रोटी बनी हुई है, खास लोग, कितनी गोल गोल, खास लोग देखेंगे ये, ये गाजी ने रोटी लगा ली, गाजी को हाथ चल गया, रोटी तैयार हो गई है, अंदर दिखा इसको, वो मेरी रोटी लगी हुई है, तैयार हो गई है, अभी दे मेरे धुआं है, गाजी की आंखों में आंसू चेक करो, ये रोटी लगाते हुए, मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, तो फिर ये मम्मी डैडी लड़का है, इसने रोटी लगाई है और इसकी आंखों में आंसू चेक करो, बस सारी बात छोड़ो, इसकी आंखों में भाई धुआं है, ओह हो 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 हो, अब इसको हमें बताना पड़ेगा कि रोटी कैसे उतारनी है, सारे काम तो इसके अपने उल्टे हैं, देखिए हम गाइस आप सब देखें, गाजी इधर तो देख यार, क्या रो क्यों रहा है, गिर जाएगी इससे रोने का क्या मकसद है, गिर जाने का जला के ना रख दियो, हाँ ये हमारा न्यू कारीगर है तंदूर का, तो आप इसे देख सकते हैं कैसे गाजी रोटी उतार रहा है, कैसे लगाया, गाइस आप मेरी रोटी चेक करना, हाँ देखें तो सही, क्या हाँ देखी भी नहीं होगी बाकी कसम से, ये ना खास खास लोग देखेंगे और कमेंट भी खास खास लोग करेंगे, ओ ओ ओ ओ ओ घंटा हो गया रोटी लग रही है आप लोग, हाँ अब कसूर हम पे आएगा, तुम पे कहाँ आएगा, ये सीन है गाजी के, रोटी देखें, ओए होए 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 इतनी प्यारी रोटी, अल्लाह हाँ इधर रख दो, ये देखें गाजी की रोटी लगी हुई, ये ओ सीखे नहीं निकल रही गाजी से ओ ये लड़ रहा था रोटी से, गाइस ये गाजी की रोटी चेक करने लगी हुई, हाँ हाँ ये गाजी की रोटी लगी हुई है, हाँ ये अब ना वो जली हुई जगह ना साफ कर, हाँ ये खास लोगों के लिए होगी, लेते जाना आप अपनी, तो ये हमारे कारीगर थे जो रोटी को देखकर हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी कारीगरी को, हाँ सही है, नुक्स तो कट हो जा, नुक्स वही कह नहीं, बस जरा एक मुंह कटी पी रोटी बस गाइस मैंने सोचा कि अब मैं ना अपना रेस्टोरेंट खोलता हूँ प्रॉपर, ये तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं एक ब्रांडेड टाइप का ना ब्रांडेड होटल खोलता हूँ दुकान की लोकेशन पे, उधर रोटियाँ मैं खुद लगा, हाँ जैसे अभी लगी हुई थी बिल्कुल जली हुई रोटी, और मेरे हाथों की जो रोटी होगी उसकी प्राइस हाँ, होगी स्पेशल, लोग खाएंगे और कमेंट करना जरूर, देख के ना कमेंट करना कि क्या बना, हाथों की रोटी मैं बनाऊंगा तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, देखें इसमें पत्ते नहीं डालते होटल वाले बेईमानी, इस तरह से करते हैं, पहले वाला जो इसका वो पड़ा होता है भूसा, पहले वाला भूसा पड़ा होता है, इसकी चाय बना के देते हैं, ये इसलिए टेस्टी बनती है, आप लोग भी तजर्बा करना लाजमी, और गया था ना तो मेरी एक रिंग इसके पास, ये इसने छुपा ली थी या पता नहीं क्या किया था, ये वाली मेरी रिंग इसके पास रह गई थी, अब अच्छी तो नहीं लग रही, थैंक्स गॉड, आप खुद देख लें कि उसका रिजल्ट कैसा आया, देखे पिक्चर में खुद देख सकते हैं कि कैसे पिक्स आई है, ये अंत लेवल पे आई है, इसके पैसे भी देने होंगे भाई जान आपको, आया ये हो गया, ये रिंग थैंक यू सो मच, संभाल के रखी हुई थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे, अब मैं जा रहा हूँ, रात हो चुकी है बिल्कुल,
इसको अलविदा कर रहा हूँ मैं, इसको छोड़ के जा रहा हूँ। और जब मुल्तान आओगे इंशाल्लाह, मुल्तान आएगा तो वहाँ भी व्लॉग्स बनाएंगे। उससे पहले ये जलालपुर आएगा, इसकी शादी भी होने वाली है। अभी नहीं हो रही, आप लोगों को इनवाइट कर दिया मैंने, इसकी शादी पे भी आप लोगों ने आना है। धूमधाम से व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। तो अलविदा को, अलविदा, आप जाते हैं। थैंक यू सो मच।